राहु के चाल परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों को होगा खूब धन लाभ। साथ ही इनको मान सम्मान एवं इनके धन में वृद्धि होगी। वहीं पंडित पंकज पाठक के अनुसार बताया गया कि दैत्यो के सेनापति राहु जीवन में कई प्रकार की समस्या का कारण बनते हैं, लेकिन जब वह विपरीत दिशा में चलते हैं तो वह काफी कुछ धन लाभ देते हैं। ज्योतिष आचार्य से जानिए सब तक। देखिए 20 अक्टूबर 2023 को राहु ने मेष राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश किया। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि राशि परिवर्तन ग्रहों की एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन जब वे राशि परिवर्तन करते हैं तो किसी राशि के ऊपर शुभ प्रभाव और किसी राशि के ऊपर वह अशुभ प्रभाव भी उसका डालते हैं। अभी तक मेष राशि में 30 अक्टूबर तक मेष राशि में राहु के होने से गुरु चांडाल योग बन रहा था और यह चांडाल योग कुछ राशियों के लिए बहुत हानिकारक था। उस समय जब राशि परिवर्तन हुआ, राहु मीन राशि में आए, तब वह 0 डिग्री के थे, अर्थात ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन अब राहु जो है वर्तमान में 27 डिग्री तक पहुंच चुके हैं और 27 डिग्री तक जब राहु पहुंच चुके हैं तो वह काफी बलशाली हो चुके हैं। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो विपरीत दिशा में एक्टिवेट होकर के लाभ देता है। तो देखते हैं कि राहु के इस राशि परिवर्तन या राहु के इस चाल के बदलने का किन राशियों के ऊपर प्रभाव हो रहा है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशि वालों को इस चाल बदलने या राशि परिवर्तन का अब लाभ होता दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के लिए दशम भाव में राशि राहु का प्रभाव है जो शुभ है, धन संपत्ति को देने वाला है, व्यापार में लाभ देने वाला है, नए कार्यों की शुरुआत करने वाला है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। और साथ ही साथ मिथुन राशि के जिन जातकों के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी है या जो विवाह के इच्छुक हैं उनका विवाह कार्य तय होगा। दूसरी है तुला राशि में सप्तम भाव में राहु का जो प्रभाव है वह वैवाहिक जीवन में अब शुभ फल देने वाला है, पार्टनरशिप में भी उनको लाभ होने वाला है, आय के साधन बढ़ेंगे, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे और एक से अधिक उनको आय के साधन अब प्राप्त होंगे। तीसरी है कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए जो समस्याएं चल रही थी वे समस्याओं का निदान होगा, व्यापार में उनको लाभ होगा, नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय में यदि किसी प्रकार की उनको मंदी थी या घाटा चल रहा था तो उस मंदी और घाटे से अब उबरेंगे और जीवन को नई दिशा और उन्नति प्राप्त होगी।